हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम का एक सॉल्व पेपर, और ये 2016 में ये पेपर हुआ था। तो इसको अलग अलग पार्ट्स में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक पार्ट में मैं 20 क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन लेने से वीडियो क्लास काफ़ी लंबी हो जाती है और कभी कभी थोड़ी सी स्टूडेंट्स को बोरिंग भी लगती है। तो एक पार्ट में मैं 20 क्वेश्चन लूँगा, और इन 20 क्वेश्चंस को मैं डिटेल में आपको लॉजिक के साथ अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। और इन वीडियो क्लासेस को यदि आप दो या तीन बार देख सकें तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में आ जाएंगी, और डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एसएससी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो क्लास को। देखिए, सबसे पहले स्पॉट एंगर के क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है एसएससी एग्ज़ाम्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप करते हैं तो एक तो आपको फ़ायदा ये होता है कि रियल क्वेश्चंस का एक्सपोजर आपको मिलता है, आपको देखने को मिलते हैं रियल क्वेश्चंस। और सेकेंड फ़ायदा ये है कि सभी तरीके के क्वेश्चंस, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्लोज टेस्ट हुआ, पैराजम्बल हुआ, स्पॉटिंग एरर हुआ, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हुआ, और ईडियम्स हुए, तो ये सभी तरीके के क्वेश्चंस का आपको एक एक्सपोजर मिलता है, और इससे डेफिनेटली बहुत आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो स्पॉटिंग एरर का ये कि क्वेश्चन है, इसको यहाँ से पढ़ते हैं। इन द वैली ऑफ कदीशा वेयर द माइटी रिवर फ्लो टू लिटिल स्ट्रीम्स मेट। देखिए, ये जो सेंटेंस है ये एक नेचर से रिलेटेड सेंटेंस है कि इन द वैली ऑफ कदीशा। कदीशा एक जगह का नाम है और वैली हम बोलते हैं घाटी को, ठीक है। कदीशा की घाटी में वेयर द माइटी रिवर, माइटी रिवर हम किसको बोलते हैं, माइटी का मतलब क्या है, माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, पावरफुल, ग्रेट, ठीक है। जैसे हम कभी कभी बोलते हैं इट इज़ माइटी इम्पोर्टेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस सेंस में भी हम माइटी को यूज़ कर सकते हैं। माइट का अर्थ होता है पावर या शक्ति, ठीक है। माइटी का अर्थ होगा शक्तिशाली, तो माइटी रिवर का मतलब हम इस सेंस में बोल सकते हैं कि काफ़ी बड़ी रिवर है, काफ़ी उसमें पानी का जो वॉल्यूम होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, लंबाई उसकी काफ़ी ज़्यादा है, तो किसी भी सेंस में उसको हम माइटी बोल सकते हैं। माइटी रिवर फ्लो टू लिटिल स्ट्रीम्स मेट। अब देखिए, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस की कंसिस्टेंसी होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये पूरा एक ही सेंटेंस है कि जहाँ पर वो नदी बहती थी, इन द वैली ऑफ कदीशा वेयर द माइटी रिवर फ्लो, यहाँ पर वो नदी बहती थी कदीशा वैली में, वहाँ पर टू लिटिल स्ट्रीम्स मेट, वहाँ पर पानी की छोटी छोटी धाराएं, स्ट्रीम्स का मतलब होता है पानी की धाराएं, मिलती थी। तो यहाँ पर देखिए मेट का यूज़ किया गया है। मेट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पर फ्लो का यूज़ किया है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी एक तरफ फर्स्ट फॉर्म दी है, एक तरफ सेकेंड फॉर्म दी है। तो ये सेंटेंस इनकंसिस्टेंट आपका हो रहा है। पूरे सेंटेंस को या तो प्रेजेंट में रखिए या पूरे सेंटेंस को आप पास्ट में रखिए। तो यहाँ पर हम किस वर्ब को चेंज करेंगे, या तो हम मैट का मीट कर देते हैं या हम फ्लो का फ्लोड कर देते हैं, लेकिन सही आंसर इसमें कहाँ पर होगा, गलती कहाँ पर मानी जाएगी, गलती इसमें यहाँ पर मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक ऑथर एक घटना के बारे में, एक घटना तो नहीं कह सकते लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा है। जैसे ऑथर कहीं पर गया हुआ था घूमने, और वहाँ पर ये वहाँ की ये पूरा डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि जहाँ पर वो नदी बहती थी वहाँ पर पानी की धाराएं मिलती थी, ठीक है। तो ये पास्ट का डिस्क्रिप्शन है पूरा। यदि इसको आप प्रेजेंट टेंस पे लिखेंगे तो फिर तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह हो जाएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह हो जाएगा, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो सकता। तो इसलिए मैट को हम मीट में चेंज नहीं करेंगे, फ्लो को हम सेकेंड फॉर्म में लिखेंगे, और फ्लो का सेकेंड फॉर्म होता है फ्लोड, FLOWED, फ्ल्यू नहीं होता, फ्ल्यू फ्लाई का होता है। तो यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, जैसे यहाँ पर फ्लो की जगह फ्ल्यू दे दिया जाए तो वो गलत हो जाएगा, फ्लोड होगा इसका। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी इसको ध्यान रखिए कि फ्लोड होगा। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका जो आंसर होगा वो होगा बी पार्ट में, इसमें गलती मानी जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा और कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो एक रीजनेबल डेप्थ में क्वेश्चंस को समझना जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा गहराई में जाके
आप केवल टाइम ही वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए ये है एक सेकंड क्वेश्चन, द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैश बट ऑल्सो कॉट फायर। ये भी सेम ही तरीके का सेंटेंस है जैसे पहला सेंटेंस हमने पढ़ा था, वैसा ही ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एरोप्लेन, देखिए ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। और इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि नॉट ओनली के बाद जो एलिमेंट आएगा वही एलिमेंट बट ऑल्सो के बाद भी आना चाहिए। अब इसमें नॉट ओनली के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यानी वर्ब आ रही है, तो बट ऑल्सो के बाद भी इसमें वर्ब आनी चाहिए। तो वर्ब तो आ रही है लेकिन दोनों की फॉर्म्स अलग अलग हैं। एरोप्लेन ना केवल क्रैश हुआ बल्कि उसने आग भी पकड़ ली, तो आग भी पकड़ ली ये तो सही है इसमें, लेकिन फर्स्ट वाला सेंटेंस जो है ये जो वर्ब है ये गलत है, ये होनी चाहिए क्रैश्ड। ठीक है, द एरोप्लेन नॉट ओनली क्रैश्ड, ना केवल एरोप्लेन क्रैश हुआ, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, बल्कि उसने आग भी पकड़ी। तो ये एक इंसिडेंट है, ये एक पास्ट की इंसिडेंट है, ये घटना के बारे में इसमें बताया जा रहा है और पास्ट की इंसिडेंट को हम पास्ट में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपने पास्ट में बताया है इसको, लेकिन फर्स्ट वाले पार्ट में पास्ट में नहीं बताया है, तो गलती कहाँ पर होगी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब ये सफिशियंट डिटेल में मैंने इसको आपको बता दिया, अब इससे ज़्यादा डिटेल में इसको समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। एक तो दो चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पर, एक तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट कि नॉट ओनली के बाद जो एलिमेंट आएगा वही बट ऑल्सो के बाद आएगा। नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट ऑल्सो के बाद वर्ब, नॉट ओनली के बाद नाउन है तो बट ऑल्सो के बाद नाउन। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट समझना है, एक चूंकि पास्ट इंसिडेंट की बात हो रही है तो पूरा सेंटेंस इसमें पास्ट में ही आपको रखना पड़ेगा। तो सी वाली ये जो वर्ब है, सी पार्ट में जो दी है, ये तो पास्ट में है, लेकिन फर्स्ट वाली जो वर्ब है ये पास्ट में नहीं है, तो इसको आपको पास्ट में करना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको स्पॉटिंग क्वेश्चंस को करना होता है, इससे आप 100% एक्यूरेसी आप अचीव कर सकते हैं। दे नॉट ओनली, देखिए इसमें भी नॉट ओनली का क्वेश्चन आ गया। ये आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये रियल क्वेश्चंस हैं, ये 2016 का पेपर है स्टेनो का, स्टेनो एसएससी स्टेनो एग्जाम का। दे नॉट ओनली केम लेट बट ऑल्सो, देखिए नॉट ओनली के बाद वर्ब आ रही है तो बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पर भी तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए। तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है, तो वेंट अवे होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑल क्वेरी विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर। ये पैसिव वॉइस का एक कंस्ट्रक्शन है, और पैसिव वॉइस की पहचान क्या है? एक तो इसमें बाय दिया है, बाय एलिमेंट दिया है, इसके अलावा इसमें विल बी के बाद यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर दी है V3। ठीक है, तो विल बी शैल बी के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस होता है, बाय एलिमेंट भी दिया है इसमें। तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ऑल क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन, कोई भी डाउट, तो ऑल क्वेरी विल बी आंसर्ड बाय द चीफ इंस्ट्रक्टर, चीफ इंस्ट्रक्टर के द्वारा सारी क्वेरीज का जवाब दिया जाएगा। अब इसमें आप यहाँ पर देखिए, ऑल जो है अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, ऑल का मतलब होता है बहुत सारी या बहुत सारा, ऑल बुक्स, ऑल पेंस, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल टीचर्स। ठीक है, तो ऑल के बाद यहाँ पर जो नाउन आएगी ये कैसी आएगी? प्लूरल में आएगी, ऑल क्वेरीज होगा यहाँ पर, ऑल क्वेरीज। तो इसमें ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हैड मुकेश वर्क हार्ड ही वुड हैव गॉट अ डिस्टिंक्शन इन द एग्जाम। ये अनफुलफिल्ड कंडीशन का एक सेंटेंस है, यदि मुकेश ने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, यदि मुकेश ने कड़ी मेहनत की होती तो वो पास हो गया होता। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इस तरह के सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडीशन वाला पार्ट और एक होता है रिजल्ट वाला पार्ट। ये कई बार मैं समझा चुका हूँ, एक होता है कंडीशन वाला पार्ट, ये कंडीशन वाला पार्ट है, एक होता है रिजल्ट वाला पार्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ को आपको रटना नहीं है, केवल एक 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 जनरल अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलप करनी है। तो जो रिजल्ट वाला पार्ट होता है उसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वुड हैव आता है, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तीनों ही चीज़ें सही हैं, यहाँ पर वुड हैव भी है और गॉट भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें वुड हैव के स्थान पर कुड हैव भी आ सकता है, वुड हैव, कुड हैव या शुड हैव यहाँ पर आ सकता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर या तो इफ़ के साथ इस पार्ट को हम लिखते हैं, इफ़ इफ़ ही हैड, इफ़ मुकेश हैड, या तो ऐसे लिख सकते हैं,
या फिर हैड मुकेश ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ये सही माना जाता है। जैसे यदि मैं बोलूं कि इफ आई हैड वर्कड हार्ड तो ये पार्ट सही है, या इसके स्थान पर मैं बोल सकता हूं हैड आई वर्क हार्ड, हैड आई वर्क हार्ड। तो दोनों ही तरीके से बोल सकता हूं, मैं इफ के साथ भी बोल सकता हूं, यदि इफ नहीं लगाता तो फिर हैड को पहले लगाना पड़ेगा, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहां पर इसमें वर्ब के स्थान पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए इसमें आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा ए। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, इसमें ये भी मैंने नीचे दिया है, ये फर्स्ट कंडीशन है एक्चुअली, और ये है थर्ड कंडीशन। तो कंडीशन के बारे में पूरा समझने के लिए कंडीशन का मेरा एक अलग से वीडियो क्लास होगी इस कोर्स में, उसको आप जरूर देखें, और इससे तीनों कंडीशंस जो होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। द बेगर थैंक्स हिम अलॉट फॉर द हेल्प। देखिए इसमें क्या समझना है आपको, इसमें भी देखिए पास्ट इंसिडेंट है, इसमें पास्ट इंसिडेंट है, तो पास्ट इंसिडेंट के लिए क्या रखेंगे इसमें, इसमें बेगर ने उसको थैंक किया, बेगर ने उसको थैंक किया, उसने उसकी जो हेल्प करी उसके लिए बेगर ने उसको हेल्प किया, तो ये पास्ट इंसिडेंट है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एक बेगर ने उसको धन्यवाद दिया, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो ये आ नहीं सकता। प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि इसको आप लिखेंगे तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको पास्ट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे, इसलिए ए इसमें आपका आंसर होगा। ये एक्चुअली प्रोनाउंस के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो सही कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं, एक्चुअली प्रोनाउन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 2 3 1 के सीक्वेंस में बनता है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। ठीक है जी, थर्ड पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन है, मैंने यहाँ पर इसलिए इनको लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा एक देखने की इनको आदत बने, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया है। चलिए यहाँ से देखते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग विद हर ब्रदर ओवर द लॉन। द लिटिल गर्ल तो सही है, वॉज प्लेइंग खेल रही थी सही है, किसके साथ खेल रही थी, अपने भाई के साथ खेल रही थी, ये भी सही है। ओवर द लॉन, लॉन के साथ हम ओवर वर्ड का यूज नहीं करेंगे, लॉन के साथ हम ऑन लगा सकते हैं, यहाँ पर इन भी नहीं आएगा क्योंकि इन आता है इनक्लोज्ड स्पेसिस के लिए, ऑन आप लगा सकते हैं। ओवर का मतलब होता है एकदम ऊपर, किसी चीज के एकदम ऊपर होता है, या इसके अलग अलग यूजेस होते हैं, ये मूवमेंट और कवरिंग को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर द ग्राउंड, एकदम ऊपर, एकदम ऊपर, और उसमें मूवमेंट था और वो ग्राउंड को कवर कर रहा था, मतलब कवरिंग और मूवमेंट का सेंस ओवर से आता है, लेकिन यहां पर ओवर नहीं आएगा, यहां पर तो हम सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ऑन यहां पर हम लगा सकते हैं। ठीक है, सी इसमें आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज आ ब्यूटीफुल प्लेसेस। देखिए ये जो हैज आया है ये किसके लिए आया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिंगुलर है तो ये सही है, ये सही है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ये सिंगुलर है तो सही है, लेकिन यहां पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफी सारे प्लेसेस हैं, एक प्लेस थोड़ी है, ब्यूटीफुल प्लेसेस जो है वो काफी सारे हैं, तो इसलिए ए इसमें नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस देखिए मैं किस तरीके से आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिंगुलर है तो इसलिए यहां पर हैज आ गया, तो हैज तो सही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर काफी सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, एक ब्यूटीफुल प्लेस नहीं है, इसलिए हम एक ए को हटाएंगे, ब्यूटीफुल प्लेसेस में से एस को हम नहीं हटाएंगे क्योंकि वो सेंटेंस इलॉजिकल हो जाएगा, ए को हटाएंगे क्योंकि काफी सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे इन सेंटेंसेस को करना है, अटेंटिव के बाद हमेशा हम टू लगाते हैं, इसको आप ध्यान रखिए, ये कुछ प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसके कुछ सेंटेंसेस हैं, अटेंटिव के बाद हम टू लगाते हैं, इन नहीं लगाते। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर वर नो फर्नीचर इन द फ्लैट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ बेड्स। अ कपल ऑफ का मतलब होता है कुछ, दो या तीन, एक्सेप्ट फॉर का मतलब होता है इसको छोड़ के। ठीक है, फ्लैट में कुछ भी फर्नीचर नहीं था कपल ऑफ बेड्स को छोड़ के। ठीक है, लेकिन फर्नीचर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल जो नाउन होती है वो होती है सिंगुलर, तो यहां पर वर नहीं आएगा, यहां पर आएगा वॉस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड एंगेजिंग इन एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू आ टाइम टेबल। देखिए अकॉर्डिंग टू टाइम
टाइम टेबल तो एक ही होता है, कई सारे टाइम टेबल नहीं होते। यदि आप अपना एक्सरसाइज का और डेली अपना रूटीन बनाते हैं तो टाइम टेबल तो वो एक ही होगा ना, टाइम टेबल्स नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर ए भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम ए तो सही है यहाँ पर, लेकिन टाइम टेबल गलत है। ए टाइम टेबल होगा, टाइम टेबल्स नहीं होगा, ठीक है। यानी बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये फिलर के कुछ क्वेश्चन हैं। यू विल कम, ये क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन टैग के क्वेश्चंस में यदि स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल है तो इसमें हो जाएगा आपका वॉन्ट यू, ये हो जाएगा। ये सरल है, काफी सरल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम देखते हैं एडमिशन वॉज लेडीज। अब देखिए चार इसमें दिए हैं, रिस्ट्रिक्टेड बाय, रिस्ट्रिक्टेड टू, लिमिटेड बाय। देखिए यहां पर सेंटेंस क्या बोल रहा है कि एडमिशन जो थे वो केवल लेडीज के लिए ही थे, लेडीज तक ही सीमित थे। तो यहां पर इस मीनिंग को बताने के लिए हम लगाएंगे रिस्ट्रिक्टेड टू। रिस्ट्रिक्टेड बाय का मतलब क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड बाय का मतलब होगा कि एडमिशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड बाय लेडीज, मतलब एडमिशन को लेडीज के द्वारा रोक दिया गया था। ये गलत हो जाएगा इसका इसका सेंस। यहां हम बोल रहे हैं कि एडमिशन जो हो रहे थे किसी कोर्स में, उसमें केवल लेडीज को एडमिशन मिल रहा था, बॉयज को, जेंट्स को नहीं मिल रहा था। तो देखिए सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, इंग्लिश सेक्शन की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। यदि अंडरस्टैंडिंग आप सही तरीके से करते हैं तो काफी सारे क्वेश्चंस को वैसे ही आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए एक हिंदू बूस्टर सीरीज आपको मिलेगी इस कोर्स में, तो उसके वीडियोस आप जरूर जरूर देखिए और कई बार देखिए। और तो उसमें वीडियोस अपलोड मैं करता रहूंगा और डेफिनेटली उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। द पैलेस गार्डन्स टू द पब्लिक ऑन सैटरडे। द पैलेस गार्डन्स जो है, ये देखिए गार्डन, पैलेस गार्डन जो है ये एक जगह का नाम है और ये जगह सिंगुलर है, एक ही जगह है, इसलिए यहाँ पर दा लगा हुआ है। द पैलेस गार्डन्स बहुत सारे गार्डन्स नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर हम बोलेंगे इज ओपन, इज ओपन, ठीक है। पैलेस गार्डन इज ओपन टू द पब्लिक ऑन सैटरडे। पैलेस गार्डन जो है वो पब्लिक के लिए सैटरडेज को खुला रहता है। और यदि आप इसमें गलती से इज ओपन्ड बोल देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि पैलेस गार्डन को खोल दिया जाता है, जो कि गलत होगा। पैलेस गार्डन इज ओपन टू द पब्लिक ऑन सैटरडे, पैलेस गार्डन खुला रहता है सैटरडे को पब्लिक के लिए, ठीक है। इज ओपन्ड पैसिव वॉइस हो जाएगा, इसका मतलब होगा कि पैलेस गार्डन के ऊपर कुछ काम होता है, जो कि गलत होगा। तो यही है एक अंडरस्टैंडिंग, इसको आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही क्रूशियल चीज है। और जितने भी रैंकर्स और टॉपर से आप बात करेंगे वो एक ही बात बोलेंगे कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इंग्लिश सेक्शन की, क्योंकि सारी चीजें आप रूल से नहीं कर सकते। आप यहां पर देखिए यू टू बी होम बाय 8 o'clock, मतलब यहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोल रहा है कि मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप 8 बजे तक घर वापस आ जाओ, ठीक है। जैसे 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 मैं बोल सकता हूं आई विल बी होम, आई विल बी होम का मतलब है कि मैं घर पर होऊंगा या घर आ जाऊंगा। आई विल बी होम बाय 8 PM, मैं 8 बजे तक घर आ जाऊंगा, ठीक है। आई विल बी होम ये एक फ्रेज है इंग्लिश का। तो यहां पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा है? उम्मीद कर रहा है, और उम्मीद के लिए जो सही वर्ब है वो है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट यहां पर आंसर होगा। एक्सेप्ट का मतलब होता है इसको छोड़ के, एस्पेक्ट होता है पहलू, किसी भी चीज के अलग अलग जो पहलू होते हैं, और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो एक्सपेक्ट यहां पर आपका 4 जो है वो सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, टू बॉयज द प्राइज फॉर जनरल प्रोफिशिएंसी। देखिए जब दो लड़के हैं, जब दो बॉयज हैं, तो उन्होंने प्राइज को क्या किया होगा? प्राइज को शेयर किया होगा, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए इसमें शेयर ही आएगा, बाकी सारे नहीं आएंगे इसमें, बाकी गलत हैं। यहां पर ये सिमिलर वर्ड है बार्गेन, जब आप किसी दुकान पर जाते हैं या किसी सामान के लिए बार्गेन करते हैं, तो बार्गेनिंग में होता क्या है? बार्गेनिंग में निगोशिएशन होता है कि इतने की नहीं, मैं इतने पैसे दूंगा, मैं नहीं, मैं इतने पैसे दूंगा, ठीक है। तो बार्गेनिंग और निगोशिएशन ये इक्वल वर्ड है, बार्गेन का मतलब निगोशिएट, ठीक है, निगोशिएट यहां पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं रोबस्ट। रोबस्ट प्लान, रोबस्ट का मतलब होता है काफी मजबूत, काफी अच्छा, फिजिकल सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए रोबस्ट के लिए जो सही वर्ड है वो है स्टर्डी। सबमिसिव का मतलब होता है दब्बू, एकदम सीधा साधा सा, एकदम से बात मानने वाला, ठीक
ठीक है, इसको हम बोलते हैं डोसाइल। स्टबर्न होता है, जिद्दी, अनयील्डिंग भी जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट भी जिद्दी होता है। अनयील्डिंग मतलब हार नहीं मानने वाला, सबमिसिव मतलब डोसाइल, एकदम सीधा साधा। सफल का क्या मतलब है? सफल एकदम एकदम जैसे जैसे फूल होता है, या कोई भी फ्लेक्सिबल सी कोई चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सफल। फ्लेक्सिबल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। रिजिड का मतलब होता है हार्ड, जो फ्लेक्सिबल का उल्टा होगा। और एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब काफ़ी, जिसके पास पैसा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेल्दी, सिनोनिम। बेनिवोलेंट, जो दान काफ़ी देता है, परोपकार के काम करता है, उसको हम बोलते हैं बेनिवोलेंट। प्रेसियस मतलब बहुमूल्य, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना। तो इस तरीके से मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, ये स्टेनो एग्जाम के 2016 के रियल क्वेश्चंस हैं, और आगे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो स्टेनो एग्जाम के और सीपीओ एग्जाम्स के, वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से देखें, और डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हिंदू बूस्टर सीरीज़ के जो वीडियो क्लासेस हैं उनको आप जरूर देखें, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और एक ये वेबसाइट है englishiq.in, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर मैं फ्री कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में, ई बुक के फॉर्म में अपलोड करता हूँ। तो इसको यहाँ से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके बारे में आप ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।